अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर क्या है? आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल, यानी कि कितनी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल हैं, सेकेंडरी सेल क्या होता है और इनकी कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स क्या क्या काम करती हैं। आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको सेकेंडरी सेल की टाइप्स के बारे में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझ लग जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि आपने वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चले जी, आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। पहली इसकी टाइप है लेड एसिड बैटरी, यानी कि लेड एसिड बैटरी इसकी पहली टाइप है। ये एक सेकेंडरी सेल है जिसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है। लेड एसिड बैटरी को स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, यानी कि इसको स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, और क्योंकि ये बरकी तवानाई को जमा करती है और हसब ज़रूरत इसे बतौर डीसी सप्लाई इस्तेमाल किया जाता है। एक चार्ज शुदा सेल के टर्मिनल वोल्टेज 2.2 वोल्ट होते हैं, जबकि चार्ज शुदा सेल की सूरत में इसके वोल्टेज 1.8 वोल्ट रह जाते हैं। आमतौर पर 3 सेलों को सीरीज में जोड़कर 6 वोल्ट और 6 सेलों को सीरीज में जोड़कर 12 वोल्ट की बैटरी बनाई जाती है। बनावट के लिहाज से इसके कितनी टाइप्स हैं? लेड एसिड बैटरी मुख्तलिफ अज्जा कंपोनेंट्स यानी के पर मुश्तमिल होती है, जिनकी वजाहत दर्जा ज़ेल मैंने आपको इन टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताना था। लेड एसिड बैटरी मुस्बत प्लेट और मनफी प्लेट सेपरेटर्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इसकी पांचवी टाइप्स है। सेल कनेक्टर्स ठीक है, उसके बाद आ जाता है कंटेनर्स, बैटरी टर्मिनल्स, वेंट प्लग्स, यानी कि इन तमाम बैटरीज के बारे में आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा। अपने वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल सब मुकम्मल समझ लग जाए। चलें जी, आज की वीडियो करते हैं जी। उसके बाद मैं आपको मुस्बत प्लेट के बारे में बताऊँगा। मुस्बत प्लेट के बारे में बताऊंगा। लेड पर ऑक्साइड PbO2 में सल्फ्यूरिक एसिड और पानी मिलाकर एक गाढ़ी सी पेश बना ली जाती है, और इसके बाद गाढ़ी सी पेश बनाने के बाद उसे क्या किया जाता है, फिर इस पेस्ट को शीशे और सरमे से बने हुए ग्रिड या फ्रेम में भर दिया जाता है। इसका रंग यानी कि यह मुस्बत प्लेट कहलाती है। इस प्लेट का रंग गहरा भूरा यानी कि डार्क ब्राउन होता है। ग्रिड एक्टोमैटेरियल को मकानी तौर पर सपोर्ट मुहैया करता है और पोस्ट की तरह करंट को भी गुजारता है। मनफी प्लेट क्या होता है? सेपरेटर्स होते हैं मस्बत और मनफी प्लेटों के दरमियान मुसाम यानी के मुसामदार नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बारीक प्लेटें रखी जाती हैं, जिन्हें सेपरेटर्स कहलाते हैं। यानी कि यह डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन को आपने याद कर लेना। इस तरह मस्बत और मनफी प्लेटें आपस में शॉर्ट होने से बच जाती हैं। ये सेपरेटर्स ऐसे होते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बासानी से एक प्लेट से दूसरी प्लेट में मुंतकिल हो सके या आ जा सके। ये मोमन लकड़ी माइक्रोपोर्स प्लास्टिक और PVC वगैरह के बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से क्या बना था? लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड और मुख्तर यानी कि डिस्टिलेटेड पानी को मिलाकर बनाया जाता है। अगर पानी की मकदार 5 हिस्से होती है तो उसे क्या होता है, 5 हिस्से हो तो इसमें 1 हिस्सा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। बैटरी को मिलाने से बैटरी की तमाम प्लेटें इसमें डूबी होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट की ठंडी हालत में कसाफतें इजाफी यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइट की कसाफतें इजाफी कम हो जाती है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल मुकम्मल इस वीडियो में आपको बता दिया है, डिटेल के साथ बता दिया। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल डिटेल के साथ समझना है, देखना है, और वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।